सांप, ये कहानी है बिलासपुर की। बिलासपुर वैसे तो एक शांत और सुंदर नगर था। वहाँ के लोग काफी प्रेम और आदर सम्मान के साथ रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से बिलासपुर की शांति खतरे में आ गई थी। ओम ह्रीम क्लीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम पशुपटक स्वाहा। औरत का नाम था मंगला। नाम मंगला था, लेकिन करना अमंगल ही चाहती थी। पता नहीं कहां से आई थी, लेकिन जब से आई थी शहर का माहौल खराब हो गया था। बंटी भाग भाग, बंटी भाग। ओम ह्रीम क्लीम अंत सह स्वाहा। अरे क्या हुआ बंटी को? अरे भागो भागो। बंटी तुम ठीक तो हो? अरे एम्बुलेंस को कॉल करो कोई। बच्चा थोड़ी देर तड़पता रहा और फिर अचानक उसने सांसें छोड़ दी। सब ऐसे ही मरोगे, सबकी बारी आएगी, सब मरोगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शहर में क्या हो रहा है। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कुछ ही मिनटों में जहर बन जाती है। शहर में सभी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था। कोई बीमार था तो कोई पैसों की तंगी से परेशान, तो कोई बिना वजह आत्महत्या कर रहा था। मंगला जिस सोसाइटी में रहती थी, उन सोसाइटी के लोगों ने शहर की बुरी हालत को देखकर एक शर्त लगाई। अरे ये सब कुछ उस मंगला की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ, चुड़ैल है वो औरत। दिन भर कैद रहती है घर में और होम हवन करती है, घर से बाहर निकलती ही नहीं है। हाँ आंटी, वो बहुत बुरी है। मैं अपनी बॉल लेने गया था उनके घर, तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं खिड़की से बाहर भाग आया। लोग समझ गए कि शहर की अशांति की वजह मंगला है और उन्होंने तांत्रिक को जाकर ये सारी बातें बता दी। तुम लोग चिंता मत करो, इस समस्या का समाधान हम करेंगे। तांत्रिक के पास एक सफेद कुत्ता था। तांत्रिक अपना कुत्ता लेकर मंगला के घर पहुंचा। मुझे पहले से शक था कि शहर में कोई तो ऐसा वर्तुल है जहां से शहर में अंधेरा फैल रहा है। तुम हो वो वर्तुल, क्यों सता रही हो लोगों को? मैं चुड़ैल हूँ, अपना काम कर रही हूँ। तू कौन है मुझे रोकने वाला? तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक ने अपने कुत्ते को इशारा किया। कुत्ता जाकर चुड़ैल को चाटने लगा। हटाओ इसे। आ, 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 आ। देखते ही देखते सफेद कुत्ता पूरा काला बन गया और चुड़ैल फिर से साधारण औरत मंगला बन गई। निकल जा यहाँ से। आज तो तुमने मुझे अपनी तंत्र विद्या से शक्तिहीन कर दिया है तांत्रिक, लेकिन याद रखना, मैं दोबारा जरूर लौट कर आऊंगी, दुगनी ताकत से आऊंगी और सबको मिटा दूंगी। ऐसा कहकर मंगला वहाँ से सीधे घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ दिन बीत गए, शहर का माहौल धीरे धीरे बदलता चला गया और वापस शांत हो गया। शहर के सारे लोग अब शांति से अपना जीवन बिता रहे थे। ओम ह्रीम क्लीम ऊर्जामत् स्वः स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम ऊर्जामत् स्वः स्वाहा। तभी तेज हवा चलने लगी और मंगला का ध्यान टूट गया। थोड़ी देर बाद फिर से माहौल शांत हुआ और वो तपस्या करने लगी। ओम ह्रीम क्लीम ऊर्जामत् स्वः स्वाहा, ओम ह्रीम क्लीम ऊर्जामत् स्वः स्वाहा। फिर तेज बारिश शुरू हुई और उसका ध्यान टूट गया। ये क्या हो रहा है मुझे? एकदम खोखली हो गई हूँ मैं। इस प्रकार जंगल में बैठकर मंगला रात दिन काली और बुरी शक्तियों का आवाहन कर रही थी। ओम ह्रीम क्लीम ऊर्जामत् स्वः स्वाहा। एक रात मंगला हवन कर रही थी, तभी एक बहुत बड़ा काला जहरीला नाग मंगला की तरफ बढ़ने लगा। ओम ह्रीम क्लीम ऊर्जामत् स्वः स्वाहा। अचानक उस इच्छाधारी नाग ने पुरुषी देह धारण कर लिया
कौन हो तुम? तुम इंसान तो नहीं हो सकती। मंगला ने भी आंखें खोलकर नाग को देखा। नहीं, मैं इंसान नहीं, चुड़ैल हूँ। इंसानियत की दुश्मन हूँ मैं। दुनिया में अपना राज कायम करना चाहती हूँ। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। मैं भी जहर फैलाना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, लेकिन अधूरा हूँ, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो हम साथ मिलकर इस दुनिया को तबाह करेंगे। और फिर क्या, चुड़ैल और नाग तब से एक दूसरे के साथ रहने लगे। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ता चला गया। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते चले गए और देखते देखते चुड़ैल की कोख में नागराज का संतान पलने लगा। मेरा अब ये शरीर त्यागने का समय आ गया है चुड़ैल, मैं तेरे शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। तू जा और विध्वंस फैला दे पूरी दुनिया में। फिर क्या, चुड़ैल और ज्यादा भयानक बन गई और जंगल से सीधे बिलासपुर नगर लौट आई। सबको मिटा दूंगी, सबको मार दूंगी। भयानक चुड़ैल और उसकी कूख में भयानक जहरीला सांप देखकर लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। बचाओ, 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 बचाओ। मंगला चुड़ैल लोगों को पकड़ने लगी और उन्हें नोच नोच कर मारने लगी। जो लोग चुड़ैल से दूर भागने की कोशिश करते, चुड़ैल की कोख से नाग फन निकालता हुआ बाहर आता और लंबा लंबा होते होते भागने वालों को डस लेता। सारा शहर डर गया। तांत्रिक के पास जाकर उन्होंने सारी कहानी सुनाई। तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ उसे। तांत्रिक चुड़ैल के पास गया और उसने चुड़ैल पर मंत्र छोड़ना शुरू किया। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तांत्रिक, कहा था ना मैंने, मैं दुगनी ताकत से वापस आई हूँ। तू मेरे अंदर की चुड़ैल तो रोक लेगा, लेकिन मेरे इस जहरीले बच्चे को कैसे रोकेगा? चुड़ैल की कोख से जहरीला सांप तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक भी डर गया और भागने लगा। भाग तांत्रिक, भाग। तांत्रिक भाग रहा था तभी वो एक आदमी से टकरा गया। आदमी बीन बजाता हुआ आ रहा था। अरे महाराज, आप भाग क्यों रहे हैं? अरे भागो तुम भी, तुम जिस सांप को पकड़ने आए हो वो चुड़ैल की कोख में है। महाराज मैं सपेरा हूँ, सांप को वश में करना जानता हूँ। अरे लेकिन चुड़ैल को कैसे वश में करोगे? चुड़ैल को मैं नहीं, आप वश में करोगे। हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल और सांप का खेल खत्म कर देंगे। ये सुनकर तांत्रिक की हिम्मत वापस आ गई। वो सपेरे को लेकर चुड़ैल के पास गया। तू फिर से आ गया तांत्रिक, अब तक तो बस खेल रही थी तुझसे, अब तुम्हें सच में मौत देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल ने कोख का सांप तांत्रिक की तरफ बढ़ाया। सांप बस तांत्रिक को डसने ही वाला था कि तभी सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया और सांप घूमने लगा। ये क्या हो रहा है? सांप का इलाज, रुक मैं तुम्हारा भी इलाज करता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। इधर सपेरे ने बीन बजाकर सांप को वश किया और चुड़ैल की कोख से सांप को खींच लिया। सपेरे ने सांप को अपनी टोकरी में डाला और उसका ढक्कन लगा दिया। महाराज मेरा काम हो गया, आप भी झट से अपना काम खत्म कीजिए। तांत्रिक भस्म हाथ में लेकर आंख बंद करके घोर मंत्र उच्चारण कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने आंखें खोली और मंत्रों से प्रभावित भस्म चुड़ैल पर फेंक दिया। भस्म शरीर पर पड़ते ही चुड़ैल तड़पने लगी और देखते देखते जलने लगी। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तू सुधरी नहीं, जा अब हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाओ। चुड़ैल आग में जलती रही और देखते देखते आग में पूरी जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार तांत्रिक और सपेरे की वजह से चुड़ैल के साथ साथ जहरीले नागराज का भी अंत हो गया और बिलासपुर नगर फिर से पहले जैसा शांत और सुंदर हो गया।